إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. ہم مسلمانوں کا معاشرہ، سماج اور سوسائٹی جن حالات سے دوچار ہے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون حاصل نہیں ہے. عام طور پر گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں اور شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق، اس طرح کے مسائل بڑی کثرت سے پائے جا رہے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس خرابی کا سبب کیا ہے؟ اور یہ خرابیاں کس طرح دور ہو سکتی ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم سب کے سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. ہمارا دین مکمل دین ہے جس نے ہماری ہر مرحلے میں رہنمائی کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اور سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں آپ کی مکمل حیات طیبہ کو جمع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بیوی نہیں تھی بلکہ بیک وقت کئی بیویاں تھیں، اور ان تمام بیویوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے. وہ گھریلو زندگی بھی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. ہمیں ان تمام اصولوں کو، ضابطوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جنہیں اپنا کر ہم اپنے گھر کو ایک بہترین گھر بنا سکتے ہیں، امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں.
मैंने तीन आयात मुख्तलिफ जगह से पढ़ी हैं। पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा अहम उसूल बयान किया है, और ये ऐसा उसूल है कि जो ज़िंदगी के तमाम मराहिल में काम आएगा। फरमाया वासा अंतक रहू शै आ वह खैरुल्लकुम वासा अंतुहिब्बू शै आ वह शरुल्लकुम। मुमकिन है कि तुमको किसी चीज़, तुम्हें कोई चीज़ बुरी महसूस हो, तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और हकीकत में वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। हम किसी बात को अपने हक में बुरा समझ रहे हैं, किसी चीज़ को गलत समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हकीकत में वो अच्छी हो, और हम जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं हो सकता है कि उसमें शर हो, बुराई हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ हम जानते हैं तुम नहीं जानते। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है वो तुम नहीं जानते। हमें बज़ाहिर कई दफ़ा कई चीज़ें गलत लगती हैं, हमारी अपनी अकल ही तो है, अपनी समझ है, अपनी सोच है, और इसमें हमें ख़ता लग सकती है। चूँकि हर इंसान इंसान है और उससे ख़ता का इम्कान है, ख़ताएँ इंसानों ही से होती हैं, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। हमारे घर में जो हमारी वालिदा हैं, हमारी बीवी हैं, हमारी बच्चियां हैं, बेटे हैं, उनसे भी हो सकती है। यानी हर फर्द से ख़ता हो सकती है। हम में से अक्सर लोगों का हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि हम ख़ता से पाक हैं और दूसरा ख़ता का पुतला है। ख़ता दूसरे ही से होती है, हमसे नहीं होती है। और हम अपनी ख़ताओं को महसूस भी नहीं करते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। अगर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है और अपने घरों को अमन सुकून का गहवारा बनाना है तो हमें अपनी ख़ताओं पे भी अपना मुहासबा करना होगा, हम अपनी भी इस्लाह करें और फिर दूसरे की भी इस्लाह करें। इस्लाह का जज्बा जब हमारे अंदर पैदा होगा तो उसके अंदर मोहब्बत होती है, नफरत नहीं होती। हम अपने साथी की इस्लाह की ख्वाहिश रखें और अच्छे से अच्छे अंदाज में उसकी इस्लाह की कोशिश करें तो इसमें मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, नफरत नहीं होती। तो नफरत, अदावत और इस तरह की चीज़ों से हमें अपने आप को पाक रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस आयत में यही बात हम लोगों को समझाई है कि देखो, तुम्हें हर एक आदमी को अक्ले कुल नहीं अपने आप को समझना चाहिए। तुम किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हो लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे हक में बुरी है और तुम्हें उसका एहसास भी नहीं हो रहा है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। हो सकता है तुम जिसे अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो, बुराई हो। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालम, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है तुम नहीं जानते। ज़ाहिर है ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला है, शर और खैर सब कुछ उसके इल्म के अंदर है। तो इसलिए हमें अपने आप को भी समझना चाहिए कि हमसे भी ख़ता हो सकती है, हमेशा दूसरे ही से ख़ता नहीं होगी। जब ये ख्याल हमारा पुख्ता होगा तो हमारे अंदर एक नरमी का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, अपनी भी इस्लाह की कोशिश करेंगे और दूसरे की इस्लाह की भी कोशिश करेंगे।
दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला ने निकाह के फलसफे को बयान किया है। निकाह का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें पैदा किया और तुम ही से तुम्हारे जोड़े को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और उन्हीं से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया। आदम व हव्वा हम सबके माँ बाप हैं। तो अनखलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। लितस्कुनु इलैहा, आयत का ये जो टुकड़ा है ये बड़ा अहम है। किस लिए? ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर सको। लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यहाँ शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है, और इसमें कोई शक नहीं है, ये फितरी चीज़ है कि शौहर और बीवी के दरमियान एक मोहब्बत, उल्फत और रहमत का जज्बा होता है। हमें उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए, हमेशा उस जज्बे को बेदार रखना चाहिए, तो घर में सुकून रहेगा। जब मोहब्बत और रहमत के जज्बे पर कोई दूसरी चीज़ गालिब हो जाएगी तो वहीं फसाद शुरू हो जाएगा। तो ये अल्लाह की नेमत है हम सब के लिए कि उसने हमें हमारा जोड़ा बनाया, और हमारे और हमारे जोड़े के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाती। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है इसमें गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी है वो भी सूरह बकरा की आयत है जिसमें शौहर और बीवी के रिश्ते को बयान किया गया है, और इतनी खूबसूरत ताबीर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। फरमाया हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, शौहर और बीवी का रिश्ता बयान किया जा रहा है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अंदाजा लगा लीजिए, हर इंसान के जिस्म पर लिबास होता है, और लिबास इंसान के जिस्म के कितना करीब होता है कि दरमियान में कोई दूसरी चीज हायल नहीं होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना करीबी होता है और इतनी मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते को लिबास से ताबीर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इब्ने माजा में सही सनद के साथ, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, बेहतरीन इंसान का जिक्र किया इस हदीस में। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ज़ाहिर है इंसान का सबका सबसे पहले तो अपने घर से पड़ता है। कोई आदमी घर वालों के लिए अच्छा नहीं तो बाहर वालों के लिए अच्छा कैसे होगा? जो आदमी घर वालों के लिए बेहतर है वो बाहर वालों के लिए बेहतर होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह आना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में
अपने घर वालों की निस्बत सबसे बेहतर हूं, मैं तुम सब में बेहतर हूं अपने घर वालों के सिलसिले में। तो हमें अपने अहलो आयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छा बनना चाहिए, बेहतर इंसान बनना चाहिए। एक और हदीस है सही बुखारी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और बहुत अहम हदीस है शोहर और बीवी के रिश्ते के हवाले से। फरमाया, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، और पसली जिस्म में सबसे ज़्यादा टेढ़ी होती है। पसली टेढ़ी होती है, अगर तुम उसे सीधा करना शुरू करोगे तो टूट जाएगी। अगर तुमने पसली को सीधा करना शुरू कर दिया तो वो टूट जाएगी और तुम उसे तोड़ डालोगे। और अगर उसके हाल पर छोड़ दोगे तो वो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए औरतों के साथ मैं तुम्हें भलाई की वसीयत करता हूं और उनसे हुस्न सुलूक से पेश आओ। सीधा करने के चक्कर में तो तोड़ देंगे उसको, इसलिए मयाना रवि होनी चाहिए, दरमियाना रास्ता होना चाहिए कि पसली सही रहे, टूटे भी नहीं और इस्लाह भी हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में औरतों के साथ बेहतरीन सुलूक करने की वसीयत फरमाई है। एक और रिवायत है अबू दाऊद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، قال ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسبت اذا اکتسیت او اکتسبت ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح वला तहजुर इल्ला फिल बैत। मियाँ बीवी के रिश्ते के ताल्लुक से, मामलात के ताल्लुक से इस हदीस में हिदायत हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी शौहर पर बीवी का क्या हक है, शौहर पर बीवी का क्या हक है? आपने फरमाया, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, पहनो तो उसे भी पहनाओ, यानी बीवी का खाने का इंतज़ाम तुम्हारे ज़िम्मे है, उसके कपड़ों का इंतज़ाम तुम्हारे ज़िम्मे है, और चेहरे पर मत मारो। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है घरों में, तू मैं भी हो जाती है, इंसान ही तो है, ख़ता का पुतला है इंसान, किसी न किसी की तरफ से ख़ता का इम्कान हो जाता है, या दोनों तरफ से ख़ताएँ होती हैं तो झगड़ा भी हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर को क्या फरमा रहे हैं कि चेहरे पर मत मारना और उसे बुरा भला मत कहना, गालियाँ मत देना, उसे बददुआ मत देना। हदीस में जो लफ्ज़ है वला तुकब्बिह, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इसका माना है कि उसे बददुआ मत दे, झगड़ा हो, लड़ाई हो, गाली मत देना। आजकल सूरत हाल क्या है कि शौहर और बीवी का जब झगड़ा होता है घरों में, तो शौहर साहब
उसे तो गालियां बकते ही हैं, उसके माँ बाप और ख़ानदान को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर फसाद बढ़ता है, नफरत पैदा होती है और घर का सुकून गारत होता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस बुराई से अपने आप को रोके, बीवी के चेहरे पर ना मारे, उसे गालियां ना दे, उसे बद्दुआ ना दे। ये उसूल है घरों में सुकून हासिल करने के लिए। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं तो इस नुस्खे पर अमल कर लीजिए, इंशाल्लाह सुकून रहेगा, घर अमन सलामती का गहवारा बना रहेगा। और अगर नाराजगी हो जाए घर में तो बीवी को घर से बाहर मत निकालो, आप घर ही में नाराजगी का इजहार कर लें। मसलन उसे उसके बिस्तर पर अकेला छोड़ दें, रात को उसके करीब ना जाए, लेकिन घर ही में रहने दें, घर से बाहर ना निकालें। यह भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि घर से बाहर मत निकालो। तो इस हदीस को भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। एक हदीस और है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीवी पर शौहर के हुकूक के बारे में सवाल किया गया। इस हदीस में जो मैंने अभी सुनाई है इसमें तो बीवी का शौहर पर क्या हक है, लेकिन साथ में बीवी पर भी शौहर के हुकूक हैं कि वो उसकी इताअत करे, उसका कहना माने, उसके घर की हिफाजत करे और उसके माल की हिफाजत करे, उसके घर में किसी ऐसे आदमी को दाखिल न होने दे जिसे उसका शौहर नापसंद करता। इन सारी चीज़ों का ख्याल एक औरत को रखना है, बीवी को यह ख्याल रखना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, अबू दाऊद में हसन सनद के साथ रिवायत है कि लव कुंतु इम्रान अहदन अन यस्जुद ली अहदिन ला अमरतु अन निसा अन यस्जुदना ली अज़वाजहिन्ना लिमा जअलल्लाहु लहुम अलैहिन्ना मिनल हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए सजदा करना की इजाज़त होती, अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को सजदा करने की इजाज़त होती दूसरे के लिए, दूसरे के सामने, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम है शौहर का कि अगर ये जायज़ होता कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना जायज़ है तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि शौहर को सजदा करे। तो शौहर का इतना बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में और भी हिदायत बयान फरमाई हैं घरों के ताल्लुक से। घर में जब आप किसी नए मेहमान की आमद का इंतज़ाम करें, यानी अपने लड़के की शादी की जब फिक्र करें, तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए? काम इस्लाह का यहीं से शुरू होता है कि जब आपका बेटा जवान हो गया है और उसकी शादी की फिक्र आपको है तो आपको क्या करना है? सही लड़की का इंतखाब करना। सही लड़की से मुराद क्या है? वो दीनदार हो, तहजीब याफ्ता हो, दीन का इल्म रखती हो, एक दूसरे के हकूक जानती हो। शौहर के क्या हकूक है, शौहर के वालिदैन के क्या हकूक हैं, शौहर के घर में जो अफराद हैं उनके क्या हकूक हैं, उसे मालूम हो कि दूसरे के घर में जाऊंगी तो किस तरह रहना। लड़की के इंतखाब का मसला बहुत अहम है, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। आज तो माफ़ फरमाइएगा, माल सबसे अहम चीज़ है।
दौलत सबसे अहम चीज है, कहां से कितना माल आएगा उस घर में मैं अपने लड़के का रिश्ता लेकर जाऊं, घर मिलेगा कि नहीं, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, कैश कितना मिलेगा, जेवर कितना मिलेगा, क्या क्या सहूलतें मुझे हासिल होंगी, ये सारी चीजें आदमी देखता है। जब दुनिया ही दुनिया आपने देखनी है तो फिर तो इसमें फसाद भी है, झगड़ा भी है, अदावतें भी हैं, दुश्मनियां भी हैं, सब कुछ बुराइयां इसके अंदर पड़ी हैं। तो मेरे भाइयों, इंतखाब के वक्त ही आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना। मान लो दौलत तो आनी जानी चीज है, अगर तहजीब कहीं बिकती होती, अखलाक कहीं बाजार में अखलाक की दुकान होती, तो हर मालदार आदमी पैसे से अखलाक खरीद लेता, पैसे से तहजीब खरीद लेता। लेकिन ये चीजें पैसे से नहीं मिलती हैं, ये चीजें सही इल्म हासिल करने से मिलती हैं और अच्छी सोहबत से मिलती हैं, अच्छी तरबियत से मिलती हैं। तो कोई आदमी समझे कि मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया की हर चीज ले लूंगा, मेरे भाइयों, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में हैं लेकिन सुकून कल्ब हासिल नहीं है, दिल का सुकून हासिल नहीं है, चैन हासिल नहीं है। क्यों? कि ऐसी खताएं की हैं, ऐसी गलतियां की हैं अपने बच्चों के सिलसिले में कि जिसके नतीजे में जिंदगी बेचैनी की गुजर रही, सुकून हासिल नहीं हो रहा। इसलिए इंतखाब सही होना चाहिए, दीन मेयार होना चाहिए, अखलाक व तहजीब मेयार होना चाहिए, तालीम मेयार होना चाहिए, लड़के के इंतखाब में भी, लड़की के इंतखाब में भी। दूसरी बात, हम में से हर आदमी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां मोहब्बत उल्फत के मादे को रखा है, उसी के साथ गुस्से को भी रखा है। हर आदमी को गुस्सा आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन गुस्सा आना ये अच्छाई नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। गुस्से पर कंट्रोल करना अच्छी अलामत है, अच्छी सिफत है। हम में से हर शख्स को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया था, अल्लाह के नबी मुझे वसीयत फरमा दीजिए, मुझे नसीहत फरमा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हालात से वाकिफ थे, बस आपने एक ही नसीहत फरमाई, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। कहा अल्लाह के नबी कुछ और नसीहत फरमा दें, फिर फरमाए ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। फिर कहा और कुछ नसीहत फरमा दें, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। तो मेरे भाइयों, गुस्से के दरमियान जो फैसला इंसान करता है वो अक्सर गलत होता है। आज के जो घरों में तलाकें हो रही हैं वो गुस्से ही में तो हो रही हैं। तलाक दे दी, गलत तरीके से दे दी, गैर शरई तरीके पर दे दी, फिर आकर मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से मसला पूछ रहा, अजी वो तो घर में ये हो गया, झगड़ा हो गया था, गुस्से में आ गया था, मैं बहुत गुस्सा था, बस होश ही नहीं था गुस्से में, और मैंने तलाक दे दी। हमने आज तक मोहब्बत में किसी को तलाक देते नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। जो आता है तलाक का मसला पूछने को कहता गुस्से में दे दी, मोहब्बत और प्यार में कोई नहीं देता। तो मेरे भाइयों, गुस्से पर कंट्रोल कर लोगे तो तलाक के वाकयात नहीं होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। हम में से हर शख्स अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले तो खुद इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाएगा, सुकून हासिल होगा अपने अंदर भी और घर के अंदर भी। तीसरी चीज है, लड़ाई झगड़े का जिक्र मैंने किया, घरों में हो ही जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के घर में भी नहीं होता, छोटी छोटी चीजों में कभी कभी हो जाता है। लेकिन झगड़ते हुए
एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप घर में सुकून चाहते हैं, अब इससे पहले बात गुजरी कि गाली ना दें, इज्जत करें, बुरा भला ना कहें, बददुआ ना दें। और जो उसूल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं वो ये कि एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। बीवी शोहर को बेइज्जत ना करे, शोहर बीवी को बेइज्जत ना करे। जबानी हो गया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। भाइयों भाइयों में हो जाता है, पड़ोसियों में हो जाता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, लेकिन दो दिन तीन दिन के बाद सब सही हो जाता है। और सही हो जाना चाहिए, तीन दिन से ज्यादा झगड़े को नहीं रखना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और जो पहल करेगा उसे अजर मिलेगा। और एक और उसूल है, वो है माफी का उसूल। माफी अगर हम आदत डाल लें कि सामने वाले की खताओं को हमें माफ कर देना है, सुकून मिल जाएगा, सुकून हासिल हो जाएगा। हम सामने वाले को माफ करने के लिए राजी नहीं होते, हाँ हम कोई खता करें तो ये ख्वाहिश रखेंगे कि सामने वाला हमें माफ कर दे। तो जब हम ख्वाहिश रखते हैं कि सामने वाला हमें माफ करे, तो हम भी सामने वाले को माफ करें। और माफी मुसलमान की, मोमिन की बहुत बड़ी सिफत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी आयात हैं। एक जगह फरमाया गया, वल काज़िबीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के मोमिन बंदे, मुत्तकी बंदे, परहेजगार बंदे कैसे होते हैं? वल काज़िबीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं गुस्से पर। वल आफ़ीन अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर हमसे कोई खता हो गई है तो सॉरी कहने में क्या जाता? भाई अल्लाह के लिए माफ कर दो ये कहने में क्या जाता? बड़े बड़े फसाद टल जाते हैं, झगड़े टल जाते हैं, मुकदमेबाजियां खत्म हो जाती हैं, अदावतें दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई का बदला भलाई से दो। किसी ने आपके साथ कोई बुराई की है, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। इदफा बिल्लती ही अहसन, फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीयुन हमीम। हो सकता है तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाए और वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाए। ये अल्लाह ताला ने उसूल बयान किए हैं। तुम्हारा इस ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपने घरों में सुकून कैसे ला सकते हैं, घरों को बर्बादी से कैसे बचा सकते हैं, किन उसूलों को अपनाएं कि हमारे घर बर्बाद होने से बच जाए और अमन सलामती का गहवारा बन जाए। मौका होगा तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद बयान करेंगे। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु काना गफ़्फ़ारा।